उत्साह का दर्शन कर अति खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाने का निर्देश ठीक उस दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सभा करने का फैसला लिया। उन्होंने इरादा डॉक्टर सत्यपाल अते डॉक्टर किचलू की रिहाई अते काले कानून की वापसी की मांग करना सी। विसाखी दी खुशियां दे विचकार जीव जीव दी लगाव वधिया एक छोटा जिहा बच्चा टीम का कनस्तर वजाउंदा होया शहर के कुछ इलाकों में इस नेहा दिंदे हुए निकलिया। जो इस बच्चे की मुनादी को विसाखी मनाते हुए लोगों ने सुनिया तो सोचा कि जुलम का विरोध करना तो कोई जुर्म नहीं है। वीर जी बाद में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ सुना है सब आए कोई। आप चलो हम मत्था टेक आए बस। अरे सुनिया को कहीं नहीं आ पाया सरकार ने। हाँ सुना तो मैंने भी वही। शाम को बाद में पता चल ही जाएगा। वैसे पर जय जी आप आ रहे हो ना? मासूम लोगों को खबर नहीं सी कि जनरल डायर ने अमृतसर मार्शल लॉ लगा दिता है। पर बात फेरियां कटन जलसे करन ते रोक लगा दी है क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने का कोई ऐलान नहीं करवाया सी। तकरीबन दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। सुना है कोई सभा होने वाली है? साहब बाग में जलियांवाला बाग सुना तो था यही 4:30 के करीब। ये जरूरत देखता हूँ सभा को। जनरल डायर ये वही नाज़िम जो अगे चल के अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सब तो काला अध्याय बदल वाला सी। वो अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसान के हक में उठने वाली हर आवाज को हर तरह नाल कुचलन की कोशिश की थी सी। फिर चाहे वो आवाज गर्ज विचो उठी हो या खामोशी विचो सतारह सौ सत्तर में सन्यासियों के फकीर ने संघर्ष किया। सन 1857 पूरे देश ने एक होके अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार पर इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिता पर हुंकार जो तक जिंदा है वह मूह से रखी हथेली विचों भी फुट फुट के निकलती रहती है। कदे क्रांतिकारियों ने आजादी का बीड़ा चुकया अते कदे कांग्रेस के गर्म दल ने। एक पासे नदर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिता सी तो दूजे पासे पंजाब विच भी वो देश की आजादी लिए तैयार सन। 1915 रास बिहारी बोस ने पंजाब आके लाहौर फिरोजपुर अमृतसर ननकाणा साहिब तरन तारण में अपने दूतों के जरिए अंग्रेजी सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों नाल शस्त्र समेत क्रांति लिए संपर्क किया सी। पर किसी तरह यह योजना अंग्रेजों को पता लग गई और कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर ले गए। 16 नवंबर 1915 वाले दिन 19 साल बालक
करतार सिंह सलाबा नूं अंग्रेजां ने लाहौर दी जेल विच फांसी दे फंदे ते लटका दिता। सन 1918 विच सैन फ्रांसिस्को विच गदर पार्टी दे मैंबरां दे मुकदमे चला के उन्हां नूं सजा दित्ती गई। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ। आम हिंदुस्तानी की जबान में इस एक्ट को न वकील, न दलील, न अपील के नाम नाल जाना जाता है। इस एक्ट के पास होने मगरों पुलिस चाहे जिस की भी तलाशी ले सकती थी, बिना कारण किसी को भी 2 साल की सजा दी जा सकती थी। इसका इस्तेमाल करके भारतीय अखबारों की कलम टूट सकती थी। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिता सत्याग्रह के नाल। देश भर में इसके विरोध में सभावां ते अंदोलन होने लगे। फिर 30 मार्च 1919 वाले दिन दिल्ली में 60 निहत्थे लोगों ने सरकारी गोलियों नाल भून दिता गया। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਨ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓਨਾਇਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਰਾਮਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਈਕਲ ਓਨਾਇਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। Yes, sir. I'm coming. जब जलियांवाला बाग अंदर विसाखी मनाउण आए, हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे सन। एक हवाई जहाज उन्होंने उत्तों दी गुजरिया। दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज राही बाग का मुआयना कर रहे सन। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ अपने 90 सैनिकों समेत बाग में आ चुके थे। लोगों में कुछ हलचल जगी हुई, पर हंसराज ने उन्हें फिर हौसला दिया। डरने की कोई बात नहीं है, हम शांति से बात करेंगे। शांति नाल गल करने लोगों को इस ओर खतरा हो सकता है। लोग कुछ सोचते उस तो पहला जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा था।
औरतें अपने बच्चों को देख के दहशत नाल कांप रही सन। आदमी अपने परिवार को अपने बाहों में समेटे चीखा दे समुद्र में डूबते जा रहे सन। बच्चों का पता भी नहीं सी कि उन्होंने मासूम खिड़े चेहरे कुछ देर मगरों एक कैद और ठंडी खामोशी में बुआ चलवाई सी। ना कोई चेतावनी, ना बाग खाली करता है, ना सभा बंद करता होगा। सिद्धे इको हुक्म जारी होया। गोलियां बंदूकों दिया नलिया चो फड़न लगी। लोग प्रेत हाशा अपनी जाना बचाने लिए इधर उधर भज रहे सन, पर ना अंग्रेज हुकूमत दिया बंदूक रुकिया, ना ही टायर दिया अखा विच कोई इंसानियत जागी। जो गोलियां उन्हें बेगुनाह के जिस्मों नूं चीर दिया दीवारों विच घुम गई सन, वह अज भी दीवारों विच दफन हैं। गोलियां चलदियां रहियां, अंग्रेजों दियां गोलियां तो जाना बचाने हुए। उन लोगों ने उस दिन एक उम्मीद सी। बाग विच मौजूद खूह लोग बचते बचाते उस विच छाल मारते गए। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ उड़ा दूं,
लेकिन उसे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहाँ से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे, उनमें से बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। मृतकों के उस एकाकी जंगल में पूरी रात मैंने अकेले ही बिताई। हर घंटे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मेरी गली से कुछ लोग चारपाई लाए और मैं अपने पति का शरीर घर ले जा सकी। उस रात मैंने जो अनुभव किया वो केवल मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। उत्थे मौजूद मुर्दियां दी अते उन्हां दे विरलाप कर रहे उन्हां दे घरदियां दी खबर लैण वाला कोई नहीं सी। जख्मियों का इलाज करने वाला कोई नहीं सी। उन्हें पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं सी। आप खुद सोचो उस दर्दनाक माहौल के बारे जो अगले 24 घंटों तक उसी तरह ही रहा। वो दर्द, वो खामोशी जो ही उस दिन जलियांवाला बाग विच पसरी, वो खामोशी हिंदुस्तान के सीने विच आज तक गूंज रही है। उसमें माशाल्लाह दे काले बदलों ने पंजाब में घेर रखा सी। अमृतसर विच एक पासे शहीदों के परिवार रुदन विच डुबे हुए सन, दूजे पासे अंग्रेज कहने लगा रहे थे। क्लबां विच नाच रहे सन, जशन मना रहे सन। उस रोज माशाल्लाह दा इस्तेमाल करके पता नहीं किन्ने लोगों को सलाखां दे पिछे डक के तसीहे दिते जाते रहे। इस कतलेआम का दोनों टायरों से कोई असर नहीं होया। कई दिन तक दोवे अमृतसर के लोगों उत्ते जुलम करके उन्होंने दबाते रहे। उन्होंने जुलम इस हद तक सी कि जो भी हिंदुस्तानी उस गली विचों गुजरता उन्हें गोडियां ते हथां दे पार वेंगण ते मजबूर किया जाता। सारा पंजाब इस अंग्रेजी आतंक का सामना कर रहा है। अपने आप को जमीन पे रगड़ते हुए निकलो यहाँ से। जब 14 अप्रैल में अमृतसर तो 87 किलोमीटर गुजरांवाला विच कुछ भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें उनके हवाई जहाज तो बम गिराए गए। पता नहीं कितने मारे गए। दुनिया की सभ्यता का झंडा चुकन वाली अंग्रेज हुकूमत का असली चेहरा यही सी। पंजाब तो कोई खबर बाहर नहीं जा रही सी, पर हुंकार अजे तक जिंदा रही। वो मुंह ते रखी हथेली विचों भी फुट फुट के निकलती रही। हौली हौली इस कतलेआम की खबर पूरे देश में फैल गई। तब पूरा हिंदुस्तान विरोध में उठ खड़ा हुआ। रॉयल टैक्स के खिलाफ देश भर में आंदोलन तेज हो गया। ऐसे देश में प्रदर्शन अति धरने हो रहे सन। उधर अंग्रेज डायर का गुणगान कर रहे सन। उन्होंने ख्याल सी कि इन गोलियों की आवाजों में भारत का राष्ट्रवाद अति स्वतंत्रता संग्राम दब जाएगा। एक अंग्रेज कवि रुडयार्ड किपलिंग ने डायर को शाबाशी ही नहीं दिती, बल्कि उसने एक राहत कोष भी खोल दिता। अंग्रेजी अखबार डायर को साम्राज्य का बहादुर रक्षक दस रहे सन। भारतीयों ने इस बेशर्मी का मुंह तोड़ जवाब दिता। इस कतलेआम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करदे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी
महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की पदवी वापस कर दी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल में संपादित पीजी हॉलमन ने अपनी नौकरी को इस्तीफा दे दिया। देश के कवियों ने अपनी कविताओं में अपना विरोध दर्ज किया। तुझको फूंक देंगे टायर तो है कहाँ का, ये आह का धुआं है नहीं रंग आसमां का, तुझको फूंक देंगे टायर तो है कहाँ का।